अच्छा कंट्रोवर्सीज जुड़े रहेंगे तो हमारा BCL सब देखते रहेंगे, बट ये तो मेरे ख्याल से पार्ट एंड पार्सल होता है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो चलती रहती हैं, वो पार्ट होता है उसका, कुछ कर नहीं सकता। स्ट्रैटेजी अभी तक यही है कि हमारी एक बहुत अच्छी टीम है एंड आई होप हम बहुत अच्छा खेलें। जीतना हारना मैं इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो भी करें पूरे दिल से करें और पूरे जोश से करें। 1 2 3 हिप हिप हुर्रे। थैंक यू सो मच। आपने जो टीम नई ज्वाइन करी है ये पिछली बार भी कर सकते, क्या कहना चाहेंगे जयपुर राज जोशली ज्वाइन करके? यार जयपुर में वापस आने का मेरे एक ही मुद्दा है, मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं। क्रिकेट में कहीं से भी खेल सकता था बट जयपुर में खेलने का अलग ही मज़ा है क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, तो मस्ती भी हो जाती है, हम सब खुश भी रहते हैं, हारे या जीते। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस टीम का, भले हारती है बट फिर भी खुश रहती है। बट इस बार हम ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग यार सेमीफाइनल तक तो पहुँच गए, इस बार तो जीतना बनता है। तो आई होप हम डबल कोशिश करें। मैं वापस आया हूँ, मैं पूरा 100% दूँ क्योंकि मैंने प्लेऑफ्स में बॉलिंग नहीं की थी, मेरा शोल्डर इंजर्ड था, बट आई होप इस बार मैं बॉलिंग कर पाऊँगा। या स्ट्रैटेजीज तो अभी तक प्लान नहीं हुई है, फरवरी है, आराम से अभी बहुत देर है, अभी हमारी जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी देन वील प्लान कि क्या करना है। यार मैं क्रिकेट का फ़ैन नहीं, मैं फैनेटिक हूँ, मैं पागल हूँ क्रिकेट के पीछे। तो मतलब बांग्लादेश का IPL चल रहा होता है ना तो भी मैं देखता हूँ, तो क्रिकेट की तो सारी मेमोरीज हैं। जैसे कि अभी मैंने जो भी नया जो बॉम्बे का जो लड़का है जिसने 1009 रन्स एक इनिंग में मारे हैं वो भी मुझे पता है, एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय। एक इनिंग में 59 छक्के 127 चौके, भाई इससे इंस्पिरेशन ले लो या तो उस बंदे को हमारे BCL में ले आओ, वो तो यहाँ पागल कर देगा। सीरियसली यार उसकी बैटिंग देखनी चाहिए, 50 फील्डर भी खड़े कर दो तो भी वो बाउंड्री ढूंढ लेगा मेरे ख्याल से। दैट इज द इंस्पिरेशन व्हाट वी नीड टू लर्न। इंडिया का यही जोश होता है और BCL को लेके काफी कंट्रोवर्सी जुड़ी है, तो इस बार क्या? यार मैं बचपन से, मतलब जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं कंट्रोवर्सी से दूर ही भागता हूँ, तो मेरी आज तक कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं और होगी भी नहीं। मैं सवाल करूँ क्या है ये डायलॉग जब हमने पहले बोला, ये लिखा हुआ है हम में है जोश। अच्छा, पिंक सिटी के शेर कर देंगे सबको, पिंक सिटी की शेर लॉयन के पिंक सिटी के शेर कर देंगे सबको। रेडी? यस, पिंक सिटी के शेर कर देंगे सबको ढेर, जयपुर राज जोशीले। तो हमारी टीम में इस बार बहुत नए नए चेहरे आए हैं और जिसमें वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, जिसने जर्मन से आके हिंदी सीखी। हम लोग मतलब पंजाब से आके ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते, तो इसने जर्मन से आके सीखी है। इट्स वेरी हार्ड वर्किंग और माय मतलब बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जब हम कॉमेडी सर्कस में मिले थे तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना प्यारा चेहरा मेरा इतना अच्छा दोस्त बनेगा। सो आज हमारी टीम में है, आई एम वेरी प्राउड। सो क्लाउडिया, हाउ यू फील? मैं बहुत बहुत खुश हूँ और प्राउड हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा टीम इस साल जीतेगा ही जीतेगा। भाई तुम आ गई हो, अब कौन हराएगा? और देखिए क्लाउडिया बिग बॉस से आई है, मैं पंजाब से आया हूँ, तो ये चौरा अभी क्या कूल है, हम 3 आने वाला है। तो इससे बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्या चीज़ें होंगी? सो कंट्रोवर्सी तो हम अपनी टीम में लेके चल रहे हैं। सो लेकिन सब चीज़ें एक साइड पे, मजाक एक साइड पे, कंट्रोवर्सी एक साइड पे, क्रिकेट हमारा पहला धर्म है जो हम इस टीम के साथ खेलेंगे और उस धर्म को निभाने के लिए हम हैं पूरे जोश में। थैंक यू। दोनों भाइयों का इस गेम में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? हम दोनों भाइयों की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि दोनों बैटिंग अच्छी करें, दोनों बॉलिंग अच्छी करें, माइक हसी और डेविड हसी के जैसे, और मार्क वॉ, स्टीव वॉ, हसी में काम कर दें, बैटिंग के साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ लड़कियां भी इम्प्रेस हो जाए। बस बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, आपने देखा होगा कि क्रिकेट में बहुत सारी जोड़ियाँ बन चुकी है, डेविड हसी, माइक हसी, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, तो उसी तरह से हमारी जोड़ी बनेगी और उभर कर सामने आएगी, आप देखिएगा। सर देखो प्लान बहुत सारे हैं कि किस तरह से खेलना है, राउंड द विकेट बॉलिंग करनी है और बैटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे खेल रहा है, उसकी पोजीशन देखिए कि ऑफ में अच्छा है लेग में अच्छा है, उसी हिसाब से एक्चुअली सबसे ट्रिकी पार्ट इसकी बॉल है। हाँ, अगर थोड़ी बॉलिंग सही हो जाए तो आप मैनेज कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी इजी टू हिट रन ऑन दिस बॉल। तो वो वाली बात है, हम ये ट्राई करेंगे हम बॉलिंग अच्छी कर सकें ताकि सामने वाली टीम कम से कम स्कोर रन बनाए और बाकी सारी चीज़ हम बता नहीं सकते। सेम चीज़ भाई ने बॉलिंग में बताई, मैं बैटिंग में बताता हूँ। ऑफ साइड में खेलना अक्सर बहुत सारे प्लेयर ऑफ साइड में नहीं खेलते हैं, लेग में बहुत लपेटे मारते हैं क्योंकि बॉल बहुत हल्की है, उनको पूरे प्रेशर के साथ लेग में ज़्यादा रूम मिलता है, ज़्यादा चीज़ें मिलती है। बट ऑफ साइड में खेलने के लिए हमने भी वो बहुत सारी ट्रिक सोच रखी है कि हम सारे हम कैसे खोलेंगे, हम कैसे खेल के सबको पता है वो हम आपको खेल कर बताएंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ, 90% एक्टर्स वो दिल्ली के होते हैं और दिल्ली में सब लेग में ही मारते हैं, तो हमें पता है कि क्या करना है, हमें पता है किसका कैसा बॉडी लैंग्वेज है। वापस स्टेज पे फील्ड पे जाने का तो देखेंगे कैसे खेलता है। सर हम लोग सोचते नहीं सर, मैं तो एक सिंपल सी लाइन है कि सर बुरा बनना बहुत आसान है, हम तो अच्छे बन के खेलेंगे बस। और क्या, और पहली चीज़ कंट्रोवर्सी में क्या पढ़ना, अच्छा गेम खेलो, अच्छा लोगों को दिखाओ हम लोग अच्छे खेलते हैं, दैट्स ऑल यार। थैंक यू। ऑफ कोर्स कर दे सबके तेवर ढीले, हम हैं जयपुर राज जोशीले। थैंक यू। नहीं, टीम में बहुत ज़्यादा जोश है और हम पहली बार सारे टीम मेंबर्स से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है और एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करके एक साथ इकट्ठा होके हम कुछ खेल रहे हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन क्रिकेट। कपिल ने तो इस बार क्या कहना चाहेंगे अपने अभी के लिए, होने वाले अभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम एक ही टीम में हैं, हम प्लेयर्स हैं अभी फ़िलहाल तो, और एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है, टीम स्पिरिट है, सब अलग बातें हैं जो कभी हुई नहीं है। सो आई थिंक वो इन्जॉय कर रहे हैं, पहला अनुभव है, पहला एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक हम इतना जोश में है फिलहाल कि और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। माइंडसेट क्या होगा गेम में? माइंडसेट बस हमें जीतना है, यही माइंडसेट है हमारा, इन्जॉय करना है यहाँ आके और हमें जीतना है बस। दूसरी टीम में सनी लियोनी है और अच्छा अरे सबका रहता है, हमारा भी रहता है, मैं भी देखूंगी, मुझे भी सनी लियोनी सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक शी इज़ वेरी प्रिटी। अरे बिल्कुल नहीं, हम दोनों मिलके देखेंगे, है ना? हम दोनों मिलके देखेंगे ये बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और यहाँ आके कुछ दूसरे टीम मेंबर्स को मिलके यही लग रहा है कि सब लोग बहुत ज़्यादा जोश में हैं और सब लोग यहाँ पे सिर्फ जीतने के लिए आए, तो हम बस उसी की कोशिश करेंगे। BCL को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है पहले, तो इस बार कंट्रोवर्सी होना तो लाजमी है, तो एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करने का प्लान? प्रोटेक्ट से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स अ प्योर गेम, इट्स क्रिकेट आफ्टर ऑल, और हमारे लिए इंडियंस के लिए क्रिकेट क्या मायने रखता है ये हर कोई जानता है। और ऊपर से जब हम फिल्म फ्रेटर्निटी में खेल रहे हैं, मतलब उसके साथ एंटरटेनमेंट भी है और खेल भी है, तो आई थिंक मज़ा इतना आ रहा है, तो कंट्रोवर्सी और उस सब के लिए तो आई वॉन्ट इवन थिंक अबाउट इट। सो टीम है, टीम के लिए कुछ चेयर अप हो जाए। पिंक सिटी के शेर कर देंगे सबको ढेर, जयपुर राज जोशीले, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब तो राजीव ठाकुर ने भी कही है कि एकता मैम के लिए आप तो लकी चाम है, एक टीम में आने के बाद क्या कहना चाहेंगे अपने लिए एज अ लकी चाम? एक्चुअली मैं क्या खुद से बोलूँ, ऐसा लोग बोलते हैं और मुझे खुशी होती है कहीं ना कहीं अगर वो मुझे लकी चार्म मानते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि मैं बीइंग एज एन एक्टर अपनी कोशिश करता हूँ अच्छा काम देने की जो मेरे हाथ में है, बाकी किस्मत शोज़ की होती है, बाकी टीम मेंबर्स की होती है, जो सभी लोग मिल कर के मेहनत करते हैं तब एक शो उठ करके आता है और उसकी टीआरपी बढ़ती है, तो उसका क्रेडिट किसी एक इंसान को जाए वो मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, शायद लोगों का प्यार है और ये मेरा काम है कि उनको अच्छा लगता है और वो क्रेडिट देते हैं, तो सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट क्या देंगे टीम में, दूसरी टीम में सनी लियोनी है, तो इस बार क्या माइंड क्या सोच के खेलेंगे? देखिए, अगर सामने वाली टीम सनी लियोनी को लेकर के आती है इसलिए कि हम भ्रमित हो जाएं, हमारा ध्यान भटक जाए, तो वो उनकी गलती और भूल है। हम बहुत मेहनत के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी टीम में जितने भी मेम्बर हैं, जितने प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम सामने कोई भी हो, हमें सिर्फ जीतना है और जीतना है। क्या स्ट्रैटेजी लेके इस गेम में? स्ट्रैटेजी एक्चुअली राइट नाउ हमारी कुछ भी नहीं है, अभी हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर ताकि हम में कोई कमी ना रह जाए एक बार गेम शुरू होगा, रिहर्सल शुरू होगी, फिर हमें सामने वाली टीमों की भी प्लस पॉइंट मालूम रहेंगे, फिर हम देखेंगे उस हिसाब से क्या हमें स्ट्रेटजी बनानी है। ये कंट्रोवर्सीज को लेके बीसीएल काफ़ी चर्चे में रहा है, तो कंट्रोवर्सीज इस सीज़न में क्या है? देखिए क्या है, कोई भी शो या इवेंट हम बनाते हैं, अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो पब्लिक देखेगी क्यों? अच्छी चीज़ें आज की डेट में टीवी में बहुत कम चलती हैं जब तक हम उसमें कुछ मसाला ना डालें। तो बस बीसीएल में भी मसाला होगा, खेल तो होगा ही, खेल जिस हिसाब से आप सब क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, खेल तो हम खेलेंगे ही, लेकिन साथ साथ में इतना मसाला डालेंगे कि आपको खाना खाते समय मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मसाला तो एक तरफ है इस शो में, लेकिन जो आपसी मनमुटाव हो जाते हैं एक्टर्स दूसरे एक्टर्स के बीच, तो उसमें क्या क्या? देखिए सबको पता है कि ये गेम है, और जब फील्ड में आप होते हैं, जब आप दो टीम के लिए खेलते होते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म हो जाता है वो सबको पता है कि वो गेम के बीच के दौरान होता है, तो वो हम कंटिन्यू लेकर नहीं चलते हैं, हम सब प्यार से गले मिलते हैं और सब एक होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।